झुंझुनू से चिड़ावा से इस वक्त की बड़ी खबर। सुल्ताना थाना इलाके के किठाना गांव में हादसे में बाइक सवार बाप बेटे की गई जान। किठाना पावर हाउस के पास हुआ दर्दनाक हादसे में एक अन्य हुआ घायल। मृतक है सुल्ताना निवासी मोहम्मद हारून और अब्दुल वाहिद। दोनों किसी काम के सिलसिले से जा रहे थे किठाना की तरफ, तभी पिकअप की टक्कर से हुई दोनों की मौत। झुंझुनू के चिड़ावा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। चिड़ावा के समीप सुल्ताना थाना क्षेत्र के किठाना गांव में सोमवार शाम को हुए दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र की जान चली गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सुल्ताना के किशोरपुरा रोड पर संचालित मदरसे के सामने रहने वाला 47 वर्षीय मोहम्मद हारून लोहे के शटर बनाने और ठीक करने का काम करता था। सोमवार शाम को वह शटर ठीक करने के लिए किठाना की तरफ बाइक पर जा रहा था। साथ में उसका 14 वर्षीय बेटा अब्दुल वाहिद तथा चचेरा भाई 26 वर्षीय मोहम्मद मौसिम भी बाइक पर बैठे थे। किठाना पावर हाउस के सामने एक पिकअप गाड़ी तेज गति से आई और बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे तीनों नीचे गिर गए। तीनों घायलों को सुल्ताना के निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर मोहम्मद हारून और उसके बेटे अब्दुल वाहिद को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मोहम्मद मौसिम का इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं मृतकों के शवों को चिड़ावा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों की रिपोर्ट आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इधर घायल मोहम्मद मौसिम की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। सुल्ताना पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है।